सो इट्स मंडे मॉर्निंग एंड लॉकडाउन इज स्टिल हेयर। मेरी आज मीटिंग है इन इस्लामाबाद। मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवलिंग स्टोरी बनाई जाए। सुबह उठते साथ ही टिकट्स बुक करवाई। डिपार्चर टाइम है 11 AM। जल्दी से उठ के रेडी हुआ और हम डाइवो टर्मिनल पहुंचे। डियर फ्रेंड, सीन कुछ ऐसे कि हम, मैं, मेरा कजन और मेरा भाई, हम तीनों ट्रैवल करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से रावलपिंडी, बिकॉज हमारी जो मीटिंग है वो रावलपिंडी में। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। सो लेट्स द जर्नी बिगिंस। स्काईवेज डाइवो बस टर्मिनल्स बिजनेस क्लास को चूज किया। एंड हियर द जर्नी बिगिंस। हम जा रहे हैं रावलपिंडी एंड भाईजान आप वीडियो में फ्री एडवाइस है, सब कुछ भूल जाना लेकिन मास्क ना भूलना। यहाँ पर हमारा तकरीबन कोई हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मैंने एक मूवी देख ली थी पूरी। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होगी यहाँ पर हमारी। पीक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर हम स्टे करेंगे, लाइक इस तरह से कह लें कि हम यहाँ से खाना वगैरह खा के उसके बाद अपना जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यार, हमारे जर्नी का जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था उसमें तो हमें कहीं पर भी कोई माउंटेंस वगैरह नज़र नहीं आए, लेकिन जैसे ही हमने अपना सेकंड हाफ स्टार्ट किया तो हमें फिर पता चला कि हम वाकई इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज रास्ते में हर जगह माउंटेंस। और शायद आपको ना पता हो लेकिन मुझे पता है कि मुझे माउंटेंस बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव माउंटेंस। और फिर मुझे सफ़र करने का और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रावलपिंडी पहुंचे तो वहां एक गाड़ी हमारे इंतजार कर रही थी। जी, तो हम यहां पर रावलपिंडी में क्यों आए थे, इसका मकसद क्या था? एक बिजनेस डील थी हमारी छोटी सी, और यू नो छोटी छोटी खुशियां, फिर वो डील हो चुकी और सक्सेसफुल रही है। अब यहाँ पे कुछ रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में थोड़ी सी सैर करेंगे, उसके बाद वापस लाहौर। सैर, आए आए, मजे मजे। फाइनली वी आर इन इस्लामाबाद और सीन्स कुछ ऐसे हैं। इस्लामाबाद का जो मौसम है ना वो बहुत ही कमाल का मौसम है। मतलब यह वहाँ पर अगर एक दो दिन धूप निकले तो तीसरे दिन बारिश ज़रूर होगी, और हमने उस मौसम को काफ़ी सारा एंजॉय किया है। तो जी, सीन ये है कि हम यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी सफ़र की जो थकान हुई है वो उतारेंगे। वैसे हम ट्रैवलर हैं तो ट्रैवलर को इतना सा सफ़र कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद कहीं पर घूमने वगैरह जाएंगे। उसके बाद होगी पार्टी, ऐसे तुम कहते हो? यस, पार्टी तो वैसे है नहीं, उसके बाद होगी थोड़ी सी सैर होगी, उसके बाद घर चलेंगे। वैसे देखेंगे अगर रात तक घर जा सके तो ठीक है, वरना फिर कल सुबह की फ्लाइट में। नाइट स्टे। ओके। ओह माय गॉड, योर फ्लाइट? ओह यस। कहाँ? लाहौर की। कहाँ से? इस्लामाबाद से। ये कभी कभी ना मजाक। तो जी, हमारे इसकी बातों को सीरियस नहीं लेना। अच्छा चलो यार, बस ऑडियंस है हमारी यार। ओके, ड्रैग ना करो।
तो भाई हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नो डाउट इस्लामाबाद में बहुत सारी ब्यूटी है, एक बहुत प्यारा सिटी है इस्लामाबाद, लेकिन लाहौर लाहौर है। वो सामने दूर पहाड़ों में छुपी हुई हम सब की जानी पहचानी है फैसल मस्जिद। गाइस तो शकरपनिया और मोरना मठ यहाँ पे दोनों ही बंद हैं लॉकडाउन सीन की वजह से, तो हम यहाँ पे आए थे लेकिन बंद होने की वजह से अब हम वापस जाने लगे हैं, तो कुछ और जगह ट्राई करते हैं जो ओपन हो इस सिचुएशन। यार आप लोगों को पता ही होगा कोविड-19 की सिचुएशन है, तो पूरा इस्लामाबाद तकरीबन बंद था, मतलब जो भी विजिटिंग पॉइंट थे ना वहाँ के वो सारे बंद थे। हमने काफ़ी विजिटिंग पॉइंट्स पे जाकर विजिट किया, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने क्या देखा कि यार ये तो बंद है। एटलीस्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे का जो ब्रिज है वो एक वाहिद जगह थी जहाँ पर हमने काफ़ी टाइम गुजारा, डे टू नाइट शिफ्टिंग, बट हम उस मौसम को फील कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है अब्बास फोटोग्राफी, टाइम मिले तो चेक ज़रूर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में फेंक दीजिएगा। बैक टू स्काईवेज डाइवो बस टर्मिनल, एक बहुत अच्छा जर्नी बहुत सारी लर्निंग के साथ यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब लाहौर चलते हैं और मिलते हैं लाहौर में। बेसिकली ये था हमारा कुछ जर्नी, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग। मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज़ अब्बास सेइंग ऑफ अल्लाह हाफ़िज़।